गृहमंत्री अमित शाह का भी आज से गुजरात दौरा है। 2 दिनों तक गुजरात में ही रहेंगे गृहमंत्री अमित शाह। सुबह 11 बजे द्वारकाधीश मंदिर में पूजा करेंगे शाह। दोपहर 12 बजे पुलिस अकादमी का दौरा करेंगे गृहमंत्री अमित शाह। पीएम मोदी के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे अमित शाह। विधानसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी ने गुजरात में चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आज न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी बल्कि बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह भी गुजरात आ रहे हैं। गृह मंत्री के कार्यक्रम की बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह 2 दिनों के लिए गुजरात दौरे पर रहेंगे। सुबह 11 बजे अमित शाह श्री द्वारकाधीश मंदिर में दर्शन और पूजन करेंगे। इस कार्यक्रम के बाद शाह दोपहर 12 बजे राष्ट्रीय तटीय पुलिस अकादमी का दौरा करेंगे, जहां वे ट्रेनिंग ले रहे जवानों से बात करेंगे। शाम 4 बजे गृह मंत्री अमित शाह पीएम मोदी के सहकार से समृद्धि सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन के दौरान ही कलोल इकाई में विश्व के पहले नैनो यूरिया प्लांट का उद्घाटन भी होगा। दौरे के दूसरे दिन यानी रविवार को गृह मंत्री अमित शाह पंचामृत डेयरी के कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इसके बाद अमित शाह पीडीसी बैंक मुख्यालय के नए भवन का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम के बाद गृह मंत्री गुजरात पुलिस के आवासीय और गैर आवासीय परिसरों का उद्घाटन करेंगे। साथ ही गांधीनगर के नारदपुरा में 632 करोड़ की लागत में बनने वाले ओलंपिक स्तर के स्टेडियम का शिलान्यास भी करेंगे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।